व्हाट्स अप गाइस, यार आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का क्यूब खुल जाए तो आप लोग इसको किस तरह से दोबारा जोड़ सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को इस किस्म का एक कोर नज़र आएगा, तो आप लोगों ने इसको एक साइड पे रख देना है और एक साइड पे एजेस जिनमें दो कलर्स हों और एक साइड पे कॉर्नर्स जिनमें तीन कलर्स हों, उनको अलग अलग कर लेना है। कॉर्नर्स टोटल 8 होते हैं जबकि एजेस टोटल 12 होते हैं। अगर कुछ भी कम है तो समझ लो तुम लोग कुछ पीस घुमा चुके हो। अब आप लोग इनको साइड पे करके कोर को अपने फ्रंट पे ले आओ और यहाँ से एक एक एच पीस उठाओ। सबसे पहले वाइट के एजेस हम लगाना शुरू करेंगे, जैसे कि ये वाइट एंड ग्रीन। तो हम इसको सॉल्व स्टेट में असेंबल करेंगे, तो हम किसी तरह से इनको इस तरह जोड़ देंगे और एक और वाइट का इसके साथ वाला जैसे वाइट ऑरेंज है वो पकड़ेंगे और उसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी का काम नहीं, इस तरह इजी है बिल्कुल। अब हमने एक कॉर्नर लेना है वाइट ऑरेंज और ग्रीन कलर का, जो कि हम यहाँ से उठाएंगे और ये रहा वो कॉर्नर, और हम उसको इधर इस जगह पर इस तरह ऊपर से लाते हुए नीचे की तरफ रखेंगे। और अब यहाँ वाला एच पीस जो कि ग्रीन और ऑरेंज कलर का है वो यहाँ पे लगाएंगे, और वो ये रहा एच पीस। और अब इस एच पीस को इसके अंदर हम ठूंस देंगे और इस तरह हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा। तो ये ब्लॉक बनाने के बाद हम यहाँ पे वाइट रेड से शुरू कर सकते हैं। लाइक ये मैं पीस उठाया और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ का कॉर्नर और एच पीस लगाऊंगा। कॉर्नर है हमारा वाइट रेड ग्रीन कलर का, जो कि ये रहा, ऊपर की तरफ से लाता हुआ नीचे की तरफ लाऊंगा, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह कुछ। और अब यहाँ का एच पीस ग्रीन रेड ये रहा, इसको यहाँ पे अटैच करूँगा। इससे हमारा ये एक बड़ा ब्लॉक बन गया। अब हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट करना है, ब्लॉक नहीं बल्कि बस अब वो एक 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 ही पीस होंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर सबसे पहले हम दरमियान वाला एच पीस लगा लेंगे वाइट और ब्लू का कुछ इस तरह। अब हम एक एक कॉर्नर्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वाइट रेड वाइट ऑरेंज ये कॉर्नर्स। ये रहा मेरे पास वाइट ऑरेंज का कॉर्नर, कॉर्नर इंसर्ट हो गए। इसको अब हम नीचे करते हैं क्योंकि ये लेयर हमारी असेंबल हो चुकी है। अब यहाँ के एजेस यहाँ पे आएगा ऑरेंज ब्लू और यहाँ पे आएगा ब्लू रेड, तो वो बोले हम एजेस उठाएंगे और वो बोले यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। कुछ इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी लास्ट लेयर का, क्योंकि दो लेयर्स तो हमारी बन चुकी हैं। तो हम सबसे पहले कोई भी एक एच पीस उठा देंगे, जैसे येलो ब्लू, और हम उसको इंसर्ट करेंगे और ऐसे मैच कर देंगे, और इसके साथ वाले दो कॉर्नर्स लगाएंगे ब्लू कलर के। तो एक ब्लू कॉर्नर ये रहा और दूसरा ब्लू कॉर्नर ये रहा। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आप लोगों ने ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, नहीं तो ये पीसेस टूट सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ी सी आप लोगों ने टेक्निक का ध्यान रखना है। अब यहाँ के एजेस लगा देंगे येलो रेड और येलो ऑरेंज। थोड़ा सा ये सेंटर पीस को आप लोग इस तरह ऊपर करके इसको अंदर फंसा सकते हो। और अब ये वाला ये, अब हमारी आखिरी तीन पीसेस रह गए हैं। अब हम लगाएंगे पहले दोनों कॉर्नर्स। इसको थोड़ा सा इस तरह घुमा लेंगे और इस तरह एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर इंसर्ट करेंगे। और अब रह गया हमारा आखिरी एच पीस, और इन कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा खोल भी सकते हैं, बट जब हम इसको इस तरह करेंगे एच पीस को और थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर फंस जाएगा, और उसके बाद आप लोग अपना क्यूब एंजॉय कर सकती हूँ।